जब बात आती है असली मार्शल आर्ट स्किल्स की तो माइकल जे वाइट को इग्नोर करना मुश्किल है। माइकल जे वाइट के पास 8 ब्लैक बेल्ट्स और इनकी फाइटिंग सीन काफ़ी स्मूथ और एक्साइटिंग होते हैं। ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर हैं जिन्होंने कॉमिक बुक सुपर हीरो एल सिमंस का रोल मूवी स्पॉन्स में निभाया है। तो इस लिस्ट में हम माइकल जे वाइट की उन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जिनमें इन्होंने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को काफ़ी डिसेंट अंदाज में शोकेस किया है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं इस लिस्ट की पहली मूवी की तरफ। इस लिस्ट की पहली मूवी है यूनिवर्स सोल्जर द रिटर्न, जो 1999 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.2। इस मूवी के डायरेक्टर है माइक रॉजर्स। मूवी में कंप्यूटर सेट सबसे पावरफुल बनने के लिए एक बॉडी पर कब्जा कर लेता है और मूवी में लीड रोल में जॉन क्लॉड वैन डैम नजर आए हैं जिन्होंने डेवरॉक का रोल निभाया है और सेथ का रोल माइकल जे वाइट ने प्ले किया है। लिस्ट की अगली मूवी है एक्सीडेंट मैन, जो 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2। इस मूवी के डायरेक्टर है जेसी वी जॉनसन। एक्सीडेंट मैन स्कॉट एक्टिस का ड्रीम मूवी प्रोजेक्ट था, जो एक एग्जिस्टिंग कॉमिक पर बेस्ड है और मूवी का स्क्रीन प्ले स्कॉट ने खुद कोरोट किया है। मूवी में स्कॉट ने माइक नाम के असैसिन का रोल प्ले किया है, जो लीग ऑफ किलर्स के लिए काम करता है और उसकी स्पेशलिटी मर्डर को एक्सीडेंट के तौर पर दिखाना और इंटेंसिव वे में एक्सप्लेन करना है। मूवी में माइक ने अपने अनबॉर्न चाइल्ड के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है। ये एक फुल्ली एक्शन पैक्ड मूवी है जिसमें माइकल जे वाइट, एमी जॉनस्टन और रे पैक भी नजर आए हैं। इस लिस्ट की अगली मूवी है ट्रिपल थ्रेड, जो 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। इस मूवी के डायरेक्टर है जेसी वी जॉनसन। ये फुल एक्शन पैक्ड मल्टी स्टार मूवी है जिसमें क्राइम सिंडिकेट बॉस बिलियनर की डॉटर को मारने की रैंसम देता है और कुछ मर्सिनरीज उसको बचाने के लिए असैसिन से फाइट करते हैं। मूवी है स्किन ट्रेड, जो 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। ये एक अमेरिकन मूवी है जिससे काफी बड़े नाम जुड़े हुए हैं, जैसे माइकल जे वाइट, डॉल्फ लंडग्रेन। मूवी में टोनी जा और डॉल्फ लंडग्रेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप को पकड़ने में लगे हुए हैं, जिसने उनकी फैमिली को काफी इफेक्ट किया है और मूवी को देखने का एकमात्र रीजन है टोनी जा और माइकल जे वाइट के बीच फिल्माए गए फाइट सीन। लिस्ट की अगली मूवी है फैल्कन राइजिंग, जो 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। इस मूवी के डायरेक्टर है आर्नी बारबोराज। इस मूवी में फैल्कन का रोल माइकल जे वाइट ने निभाया है और उस ग्रुप को खत्म करने में लग जाता है जो उसकी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार है। इस मूवी में लतीफ ने एक कॉप का रोल निभाया है। अगली मूवी है ये अनडिस्प्यूटेड टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो 2006 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इस मूवी के डायरेक्टर है आइसैक फ्लोरेंटाइन। इस मूवी ने माइकल जे वाइट और स्कॉट एटकिंस को रेस करके मार्शल आर्ट मूवीज के फोरफ्रंट पर खड़ा कर दिया था। ये अनडिस्प्यूटेड मूवी का सीक्वल है जिसमें वेस्ली स्नाइप्स और रिंग वैम्स ने काम किया था। मूवी में माइकल जे वाइट ने वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन का रोल प्ले किया है, जो अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए रशिया में जॉब करने आता है, मगर प्रिजन फाइट प्रमोटर गागा रूथलेस क्रेजी चैंपियन बोयका के अगेंस्ट फाइट सेटअप कर देता है। मूवी में बैड गॉय बोयका का रोल स्कॉट एटकिंस ने प्ले किया है। मूवी में काफी बेहतरीन एक्शन फाइट सीन है जिसे एक बार देखना जरूर बनता है। इस लिस्ट की अगली मूवी है नेवर बैक डाउन टू द बीट डाउन, जो 2011 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7। इस मूवी के डायरेक्टर है खुद माइकल जे वाइट। मूवी में माइकल जे वाइट ने केस वॉकर का रोल निभाया है, जो एक MMA कोच है और जो कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बनाने की ट्रेनिंग देता है। इस लिस्ट की अगली मूवी है टाइसन, जो 1995 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। इस मूवी के डायरेक्टर है यूलाई ईडल। मूवी में माइकल जे वाइट ने फॉर्मर वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टाइसन का रोल प्ले किया है और उनकी निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव को अपने एक्टिंग स्किल से काफी बढ़िया तरीके से शोकेस किया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है ब्लड एंड बोन, जो 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। इस मूवी के डायरेक्टर है बेन रैमजी। मूवी में बोन का रोल माइकल जे वाइट ने निभाया है, जो जेल से बाहर आने के बाद अपने फ्रेंड से वादा करता है कि वो उसकी फैमिली को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बॉसेस से बचाएगा। मूवी में अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। लिस्ट की अगली मूवी है ब्लैक डायनामाइट, जो 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4। इस मूवी के डायरेक्टर है स्कॉट सैंडर्स। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसमें ब्लैक डायनामाइट एक पूर्व CIA एजेंट है जिससे सब डरते हैं और उसके ब्रदर की डेथ के बाद वो उसकी मौत का बदला लेता है। ये एक ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन कॉमेडी मूवी है। इसकी लास्ट मूवी है नेवर बैक डाउन नो सरेंडर, जो 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3। इस मूवी के डायरेक्टर है माइकल जे वाइट।
इस मूवी में लीड रोल प्ले करते हुए माइकल जे व्हाइट ने केस वॉकर का रोल प्ले किया है, जो अपनी ओल्ड स्कूल मार्शल आर्ट स्किल्स को यूज करके वर्ल्ड चैंपियन एमएमए फाइटर बनते हैं। इस मूवी में टोनी जा और जीजा यानिन ने छोटा सा कैमियो रोल प्ले किया है। तो ये थे कुछ टॉप माइकल जे व्हाइट एक्शन मार्शल आर्ट मूवीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्शन मार्शल आर्टिस्ट मूवी स्टार के साथ।